हेलो फ्रेंड, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पेच होता है, ये जो स्क्रू होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और मुझे कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इसके बारे में कि इस पेच को हम कैसे खोलें अगर इसमें जंग वगैरह ज़्यादा आ जाती है, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये पेच हमारा किसी भी कारण से नहीं खुल रहा है। मान लीजिए मैं इसमें पेच कस से खोलता हूँ या किसी और अपने ट्रिक से खोलता हूँ तो ये पेच नहीं खुल पा रहा है। तो फ्रेंड, ये जो पेच है आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत मतलब क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बिल्कुल एकदम साफ है ये, लेकिन कोई कोई पेच इतना जंग में हो जाता है कि उसको खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हमें करता है। अब दोस्तों, ये पेज को हम कैसे खोलेंगे, दोस्तों कैसे इसको हम ट्रिक, मैं आपको जो बताऊंगा, बहुत सारी ट्रिक हैं इसमें, दो तीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं वो ट्रिक आपको बताऊंगा जो 100% वर्क करती हैं, जो 100% काम करती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। और साथ में दोस्तों, अगर आप फेसबुक पेज पर ये मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लें। और साथ में दोस्तों, मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ फेसबुक पर। और दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन, कोई आपकी क्वारी हो तो आप मुझे फेसबुक पर किसी भी वीडियो को आप वॉच करके उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी वीडियो को आप जो फेसबुक पर देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा। यहाँ पे फ्रेंड, इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि आपका पेचकस से ही काम चल जाए। लेकिन अगर आपका पेचकस से काम नहीं चलता है तब आपको करना क्या है, इसमें आपको जो कि पेट्रोल आता है, डीजल आता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास जो जंग वगैरह को काट दे, तो उस प्रोडक्ट को हमें इसमें यूज करना है। जैसे कि सपोज करो, मैं पहली ट्रिक आपको बता रहा हूँ, तो जैसे कि ये पेट्रोल है, इसमें मैंने यहाँ पे पेट्रोल डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको कुछ घंटे के लिए, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा, जिससे कि ये जो जंग है ये फूल जाए, जिससे कि वो पेज हमारा बहुत ही आसानी से खुल जाए। आप सपोज कर लीजिए मैंने इसमें पेट्रोल भी डाल दिया है, लेकिन फिर भी ये पेचकस की मदद से हमें नहीं खुल रहा है, तब मैं इसमें क्या करूँगा, ऐसी कौन सी ट्रिक है जो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों, तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक इसमें स्टेप अगर आपने छोड़ दिया तो आप, हो सकता है ये ट्रिक आपको काम नहीं करेगी। इस तरीके से आपका नहीं खुलता है, पेट्रोल डीजल वगैरह से डाल के नहीं खुलता है, तो आपको क्या करना है, गिलेंडर लेना है। गिलेंडर की मदद से आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ से काट देना है, इस तरीके से। यहाँ से जैसे काटेंगे तो आपका होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे आपका जो आपका ये पल्सिटर है ये भी ख़राब होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है, क्योंकि आप यहाँ से काटोगे तो यहाँ से काटने के बाद क्या होगा, ये आपका जो पल्सिटर है ये भी कट जाएगा, लेकिन दोबारा यूज़ हो जाता है, क्योंकि मैंने भी किया है ये। यहाँ से मैंने इसको काट के, क्योंकि बस इतना यहाँ पे एक निशान आता है कटिंग का, बस इतना ही होता है, बाकी हमारा पेज जो है बीच में से जब कट जाता है तो पेचकस की मदद से इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, तो ये जो ऊपर का टोपी होती है ये इसकी, तो ये यहाँ से टूट जाती है, तो बहुत ही आसानी से हमारा वफ़र निकल जाता है, लेकिन उसको दोबारा भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि आपका गेयर बॉक्स भी बदलना है और आपको पल्सिटर भी बदलना है, तो आपका लास्ट में ये है कि आप इसको तोड़ दीजिए। आप सपोज कर लीजिए कि आपका गेयर बॉक्स भी ठीक है और आपका पल्सिटर भी ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर सफाई करनी है, आपको इसके अंदर सर्विस करनी है, तो आप कैसे खोलेंगे, आपका गेयर बॉक्स भी ठीक है और आपका पल्सिटर भी ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको तीसरी ट्रिक बताता हूँ कि इसको आपको कैसे खोलना है। फ्रेंड, आपकी जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो सब कुछ फेल हो चुकी हैं, तो उसके बाद हमारा लास्ट में ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ पे आती है हमारी ड्रिल। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप नॉर्मल ड्रिल भी ले सकते हैं, ये मेरे हैमर है, लेकिन मैं हैमर से ही इसको ड्रिल पे करके यहाँ पे मैं काम में ले सकता हूँ, लेकिन आप नॉर्मल ड्रिल भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसी से करता हूँ। अब आपको ड्रिल का क्या करना है, यहाँ पर आपको एक बिट लेनी है जो कि स्टील बिट होनी चाहिए। यहाँ लोहे की बिट अलग आती है और स्टील की बिट हमारी अलग आती है, तो आपको जो बिट लेनी है वो लेनी है स्टील बिट। तो जैसे ही आप स्टील बिट लेंगे तो आपको करना है ये, इस तरीके का जो आप पेज देख रहे हैं वो इस तरीके का पेज होता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे इसको बिट पे यहाँ पे लगाएंगे, उसको घिसेंगे, तो ये जो आपकी यहाँ पे टोपी है इसकी, ये यहाँ से पूरी घिस जाती है। ये जैसे यहाँ से पूरी घिस जाएगी, ये वाली टोपी जो है इसकी यहाँ से घिस जाएगी, तो पेज हमारा पेज पेज रह जाएगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, पल्सिटर हमारा निकल जाता है, क्योंकि इसी पे हमारा टिका रहता है हमारा पल्सिटर। तो ये जैसे ही घिस जाएगी हमारी, तो हमारा पूरे का पूरा जितना भी हमारा वो हमारा निकल जाएगा। तो आपको वो जो हमारा पल्सिटर है, हमें इस पर ड्रिल चलाना है। ये देखिए फ्रेंड, ये जो इसकी टोपी थी वो पूरी अलग हो चुकी है, और हमारा जो पल्सिटर है यहाँ, फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ में ये हमारा पल्सिटर जो है बाहर की साइड में को आ जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड, हमारा ये पल्सिटर है बहुत ही प्यार के साथ में ये हमारा आ चुका है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कितनी गंदगी वगैरह है, और ये जो पेज है हमारा
ये आप देख रहे हैं, ये हमारा पेच है जो कि हमने यहाँ से काटा है। और आप देख रहे हैं ये जो पेच है यहाँ पे, इसकी टोपी जो है, ये हमारी टोपी इस तरीके से रहती है। ये यहाँ से जैसे ही आप ड्रिल कर देते हो तो ये टोपी जो है हमारी यहाँ से, जो इसकी टोपी है यहाँ से हट जाती है और पल्सेटर हमारा बाहर आ जाता है। अब आप इसमें गियर बॉक्स बदलिए, सर्विस कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम थी वो कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। दोस्तों बहुत मुझे कमेंट आ रहे थे, बहुत मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि जो जंग वाला पेच होता है, स्क्रू होता है, उसको हम कैसे खोलें। तो इसी तरीके से दोस्तों ये खोला जाता है, कोई परेशानी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक तो जरूर ही कर दें, और साथ में दोस्तों मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, क्योंकि अगर आप मेरा फेसबुक पेज लाइक करते हैं तो मैं उस पर हमेशा एक्टिव रहता हूं, और हमेशा एक्टिव का मतलब होता है जो भी आप कमेंट वगैरह करते हैं मैं उसको तुरंत रिप्लाई दे देता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन। ओके बाय।